Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, may nag-request na 7 scary ghost videos that will make you paint after watching. Baka himatayin ako nito ha. Tingnan natin, pagkatapos ko manood dito, baka himatayin ako eh. Magkatotoo to, yari. Number 7 na tayo kaagad. So tirahin natin ito bago pa tirahin ng iba. कृष्णा नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस वीडियो को अपने स्टोरी पर मेंशन किया था। इस वीडियो में वे शख्स अपने घर से निकलकर अपने कुछ निजी काम को पूरा करने के लिए बाहर गए हुए होते हैं। रास्ते में चलते हुए वे शख्स अपना वीडियो बना रहे होते हैं, पर इस बीच उनके बिल्कुल पीछे एक अजीब सी क्रिएचर इस वीडियो में कैप्चर हो जाती है। अब आप लोग इस क्लिप को देखिए। Hari ini kita syuting uang kaget. Udah mulai dengan konsep baru, nanti ada gabung sama program apa? Dikne me to ye create. Tangan na ata ko chen no. Ngayon kung scripted, alam niyo naman ang mga TikTok, YouTube puro scripted na ngayon eh. Pero kung scripted, grabe yung ano ha, grabe yung effort sa makeup, 'di ba? किसी महिला की तरह लग रही होती है, पर नकारात्मक परिश्रम से मुड़कर उस चीज को देखता है, तब वे चीज तुरंत वहां से धुएं की तरह इनविजिबल हो जाती है। अब वो औरत आखिर में कौन थी, क्या कोई रियल गोस्ट फिगर या फिर कुछ और? आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस क्लिप के बारे में? सो कहीं ना बहाला मग-decide kung totoo 'yun o hindi, pero natakot siya. Number 6. इस वीडियो को मिफी टीवी नाम के एक चैनल ने साल 2011 के दौरान रिकॉर्ड किया था। वीडियो में टोक्यो जापान के पहाड़ों के बीच एक अंधेरी भरी गुफा को दिखाया जा रहा होता है। ये गुफा देखने में काफी ज्यादा पुरानी लग रही होती है और काफी ज्यादा रहस्यमय भी। इस वीडियो में एक रिपोर्टर भी नजर आ रहा होता है जो की इस गुफा से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों को बता रहा होता है। इतने में अचानक से ऐसी क्रीपी क्रिएचर उस अंधेरी भरी गुफा में नजर आती है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। いいですかね。写真撮ります。Para película. Uy! इस घटना के बाद वे रिपोर्टर इस गुफा के बारे में पता लगाते हैं। कई लोग इस गुफा के बारे में लुमालबस थे यार, कुपोती तलगा में ये कहते हैं कि 30 साल पहले इस गुफा में एक महिला की डेड बॉडी पाई गई थी। वो वहाँ कैसे आई इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, पर तब से लेकर आज तक इस सुरंग में आने वाले कई लोगों ने ये दावा किया है कि इस सुरंग के अंदर कोई महिला की स्पिरिट मौजूद है। अब आप लोग इस क्लिप के प्रति क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपने थॉट शेयर करना मत भूलिएगा। दापत बाकी तीन पिक्चर। इस वीडियो में कुछ टीनेजर नजर आ रहे होते हैं जो कि मस्ती मजाक करते हुए रात में बाहर घूम रहे होते हैं। इन टीनेजर्स का ये मस्ती मजाक का पल कब डरावने पल में बदल जाएगा, इसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग इस क्लिप को देखने के बाद जान जाओगे। दरअसल इस ग्रुप में से जो लड़का सबसे आगे की ओर चल रहा था उसे एक हाथ दीवार से निकलते हुए अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। और ताजुक की बात तो ये होती है कि जब वे लोग उस दीवार के पास जाते हैं तब उन्हें वहाँ अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं नजर आता है। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भाग कर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो वो दीवार से निकलने वाला हाथ क्या किसी इंसान का था या फिर किसी गोस्ट का, इसके बारे में तो मुझे अंदाजा नहीं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस डरावनी वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट करके अपने थॉट शेयर करना मत भूलिएगा। नासा पार्किंग पर सिला अकाला को नासा सेकंड फ्लोर या अकाला को नहुलग बोला। इस वीडियो को एक टिकटॉक यूजर ने रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रिसेंटली पोस्ट किया था। वीडियो के स्टार्टिंग में एक घर नजर आ रहा होता है और साथ ही साथ उस घर की सारी लाइट फ्लिकर होते हुए नजर आ रही होती है। काफी अजीब और डरावनी आवाज भी उस घर से आ रही होती है। अब आप लोग इस क्लिप को देखिए। परम पस्को ओ तंग इना अनु तो Pero magtataka kayo, puro kwarto-kwarto lang. Itong nasa harapan nating ilaw, itong nasa lobby, wala. Oh!
Oh shit. Pinasigaw pa. Grabe oh. Ah, lahat to. Ah, shit. Tang ina mo, anong nakita mo dyan? Ano yan? Well, वे जो भी शख्स था अनीदु लग है वे इन अजीब आवाजों का पीछा करते हुए एक रूम की ओर बढ़ता है। तभी उस शख्स को एक कॉर्नर की तरफ एक शैडो फिगर नजर आती है जो कि बिल्कुल उस शख्स की ओर देख रही होती है। इस घटना के बीतने के बाद वे शख्स तुरंत ही इस जगह से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझता है। अब ये वीडियो आप सभी को कितनी ज्यादा डरावनी लगी मुझे अपने कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। Minsan, pagka nagkukuha ka, usually yun ang initial reaction eh. Parang kakamera ka, tapos may nakita kang nakakatakot. Usually talaga, mawawala yung camera eh. Kasi natakot ka eh, di ba? Kasi hindi mo alam yun eh, yun ang initial reaction. Hindi magugulat ka, nakatuto ka pa rin. Ang initial reaction talaga, pag tumingin ka at natakot ka, mawawala talaga yung ano ng camera eh. Minsan yun ang ganun yung totoo eh. इस वीडियो को कुछ स्कूल टीनेजर स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में वे लोग एक महिला की जासूसी करते हुए नजर आ रहे होते हैं, पर इस जासूसी के दौरान वे लोग एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खौफनाक सी होती है। अब आइए इस क्लिप को देखते हैं। तो जापान तो ah, puta na wala. Oh! Oh, shit! Nabis ko magulat lang ganun ah. Oh, sarap magulat lang ganun minsan eh. Number one. इस वीडियो को एक टिकटॉक यूजर ने रिकॉर्ड करके हाल ही में अपने अकाउंट में पब्लिश किया था। वीडियो में एक व्यक्ति अकेले एक अनबैंडेंड घर की छानबीन करते हुए नजर आ रहे होते हैं। उस खंडर पड़े घर में उस व्यक्ति को एक टेलीफोन नजर आता है जो कि चालू है कि नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए जब वे व्यक्ति उस टेलीफोन को चेक कर रहे होते हैं तब हम व्यूवर उस शख्स के पीछे एक शैडो फिगर को नोटिस करते हैं। इसी दौरान कुछ वक्त के बाद उस शख्स को किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई धीरे धीरे चलते हुए उनके और आने की कोशिश कर रहा हो। अब इसके आगे आखिर क्या होगा आप लोग खुद इस क्लिप में देख लीजिए। Ау, есть кто-нибудь? А где долгоняли? Реп! Пока, я допа. А, помогите! Помогите! Сойон! Ха-ха-хай! Nagulat na naman ako, sarap itong pakiramdam. Tagal ko rin hindi na nagugulat ng ganun kasi
Naubos na natin yung true horror story. Doon lang talaga nagulat na gulat eh, sa true horror story. Nakakamiss yung ganung gulat. Oo. Yung Japan lang ulit na nakapagulat sa akin. Nakakagulat. Masarap din yung ganun eh. Diba? Iba yung pakiramdam. Diba? Tsaka nakaka-enjoy yung ganun. Aminin nyo, nakaka-enjoy yung true horror stories. Nakakamiss daw. Wala pa sila upload. Tumal nga eh. So yun, maraming maraming salamat sa panonood at sa nag-request ito para sa ito. At yun, hanggang sa muli. I came from the mud, there's dirt on my hands.